जिला कांगड़ा में महिला व पुरुष कांस्टेबल सहित चालकों के 265 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो रही है। ये भर्ती प्रक्रिया 7 जुलाई तक पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। जिला कांगड़ा में महिला व पुरुष कांस्टेबल सहित चालकों के 265 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो जाएगी। ये भर्ती प्रक्रिया 7 जुलाई तक पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। 265 पदों में से पुरुष वर्ग के 178 व महिला वर्ग के 52 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। वहीं चालकों के 35 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। ये जानकारी डीआईजी संतोष पटियाल ने दी। उन्होंने बताया कि 18 दिनों तक भर्ती प्रक्रिया सुबह 6 से लेकर सायं 6 बजे तक चलेगी। संतोष पटियाल ने बताया कि भर्ती के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी शारीरिक क्षति या चोट लगती है तो उसके लिए पुलिस विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। भर्ती के लिए पहली बार अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्र साथ लाने नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों ने जो मोबाइल नंबर ऑनलाइन आवेदन के दौरान दिया था उसी पर एसएमएस भेजने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी, जिसमें संबंधित अभ्यर्थी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, जिससे लॉगिन करके अभ्यर्थी अपने आईडी नंबर डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती के लिए वही एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। डीआईजी संतोष पटियाल ने बताया कि 2 जुलाई से महिला कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 2 जुलाई को विभिन्न आईडी नंबरों के तहत महिला अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। वहीं 5 जुलाई को पुलिस चालक भर्ती का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालक भर्ती के लिए 5 जुलाई से अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। चालक भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ड्राइविंग टेस्ट 6 व 7 जुलाई को देंगे। संतोष पटियाल ने पुलिस भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों से दलालों से बचने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तथा इसमें भाग लेने वाले दलालों के झांसे में वे ना आए। यदि कोई ऐसा करता है तो अभ्यर्थी पुलिस को सूचित करे, संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी। भर्ती हम लोगों की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की भर्ती जो 20 तारीख से शुरू होने वाली है, उसके लिए 24,707 जो टोटल कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, उनकी शुरू होगी। आज हम उनका जो सारा डाटा है उसको अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद वो उनको उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे उन पे उनको एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस में जो दिया होगा, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस के वेबसाइट पे जाके उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, उस पे जाके वो जाएंगे, उससे वहां से अपना जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और उस एडमिट कार्ड को लेके उस पर्टिकुलर डेट को ही हमारे पास यहाँ पे आएंगे। और कुछ लाने की उनको जरूरत नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट लाने की जरूरत है, न कोई और चीज आने की जरूरत है, खाली सिंगल एडमिट कार्ड लेके आना है। सर कितने जिलों की भर्ती धर्मशाला में हो रही है? धर्मशाला में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ही भर्ती है, 18 दिन चलने का स्कोप है इसका। 24,407 मतलब ज्यादा थे, लेकिन अल्टीमेटली रिजेक्ट होने के बाद 24,407 टोटल कैंडिडेट है। पोस्टें कितनी है? पोस्टें डिफरेंट कैटेगरी की है, मतलब अभी ऑफ एंड।